महात्मा बुद्ध के जीवन काल की आरंभिक प्रवृत्तियों के बारे में बात करें तो वह बचपन से ही करुणारूपी स्वभाव के थे। ऐसी बहुत सी बातें हैं जो उनके करुणारूपी व्यक्तित्व को दर्शाती हैं, जैसे कि वह जब कभी भी अपने पिता के साथ जमींदारी पर जाते थे तो वह वहाँ एकांत कोने में ध्यानरूढ़ अवस्था में बैठ जाया करते थे और देखा करते थे कि मजदूर खेतों में काम कर रहे हैं, उनके तन पर पर्याप्त कपड़ा भी नहीं है, वे धूप में जल रहे हैं। यह सब देखकर उनके चित्त पर बड़ा प्रभाव पड़ता था। जब यह सब देखते देखते कुछ दिन बीत गए तो सिद्धार्थ से रहा नहीं गया और उन्होंने अपने मित्र से एक सवाल किया कि एक आदमी दूसरे आदमी का शोषण करे, क्या यह ठीक है? मजदूर मेहनत करे और मालिक उसकी कमाई पर गुलछर्रे उड़ाए, यह कैसे ठीक हो सकता है? उनके मित्रों के पास उनके इस प्रश्न का कोई उत्तर न होता था, क्योंकि वह पुरानी विचार परंपरा के मानने वाले थे कि किसान और मजदूर का जन्म अपने मालिकों की सेवा करने के लिए ही हुआ है और ऐसा करना ही उनका धर्म है। ऐसी ही एक और घटना है। एक दिन वह अपने पिता के साथ खेतों पर गए और विश्राम के समय वह एक वृक्ष के नीचे लेटे हुए प्राकृतिक शांति और सौंदर्य का आनंद ले रहे थे। उसी समय एक पक्षी आकाश से उनके सामने आ गिरा। पक्षी को एक तीर लगा था जिसने उसे बुरी तरह घायल कर दिया था, जिसके कारण वह फड़फड़ा रहा था। सिद्धार्थ पक्षी की सहायता के लिए उठ बैठे। उन्होंने उसका तीर निकाला, जख्म पर पट्टी बांधी और पीने के लिए पानी दिया। उन्होंने पक्षी को गोद में लिया और अपनी चादर के भीतर छिपाकर उसे अपनी छाती की गर्मी पहुंचाने लगे, जिससे पक्षी जल्द से जल्द ठीक हो सके। सिद्धार्थ को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने सोचा, इस असहाय पक्षी को भला किसने अपना निशाना बनाया होगा। इतने में उनका ममेरा भाई देवदत्त वहां आ पहुंचा। वह शिकार के सभी अध्ययनों से परिपूर्ण था। उसने सिद्धार्थ से कहा कि उसने उड़ते हुए पक्षी पर तीर चलाया था, पक्षी घायल हो गया था, कुछ दूर उछलकर वह वहीं कहीं आसपास गिरा है। उसने सिद्धार्थ से पूछा, क्या तुमने उसे देखा है? सिद्धार्थ ने हाँ कहकर स्वीकार किया और वह पक्षी भी उसे दिखाया, जो अब बहुत स्वस्थ हो चला था। देवदत्त ने सिद्धार्थ से मांग की कि उसका पक्षी उसे दे दिया जाए। सिद्धार्थ ने इनकार किया। दोनों में घोर विवाद हुआ। देवदत्त का कहना था कि शिकार के नियमों के अनुसार जो पक्षी को मारता है वही उसका मालिक होता है, इसलिए वही उसका मालिक है। उधर सिद्धार्थ का कहना था कि आधार ही सर्वदा गलत है, जो जिसकी रक्षा करता है वही उसका स्वामी हो सकता है, हत्यारा कैसे किसी का स्वामी हो सकता है। दोनों में से एक भी पक्ष झुकने को तैयार नहीं था। मामला न्यायालय तक जा पहुंचा। न्यायालय ने सिद्धार्थ के पक्ष में निर्णय दिया। देवदत्त सिद्धार्थ के बैरी बन गया, लेकिन सिद्धार्थ की करुणा ऐसी अनुपम थी कि वह ममेरे भाई को प्रसन्न बनाए रखने की बजाय पक्षी की जान बचाना ज़्यादा जरूरी समझते थे। तो हमें इस कहानी से दो सलाह मिलती हैं। एक पहली कहानी से यह सलाह मिलती है कि हमें अपने कार्य खुद करने चाहिए, किसी पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, अर्थात अपना दीपक स्वयं बनो। और दूसरी यह मिलती है कि मानवता सबसे बड़ा धर्म है, इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है और हमें सबसे पहले अच्छा इंसान बनना चाहिए।